उर्फी जावेद ने राहुल वैद्य के लिए एक बड़ी बात कही। आखिर किस बात को लेकर उर्फी जावेद रिएक्ट करते हुए ये कहती हैं कि राहुल वैद्य मेरी नजरों से गिर चुके हैं। आखिर क्यों उर्फी जावेद ने ये रिएक्शन दिया, ये स्टेटमेंट दिया, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। वेल, बात करें उर्फी जावेद की तो काफ़ी सुर्खियों में उर्फी जावेद जो हैं वो रहती हैं, और इस समय जो है उर्फी जावेद ने उस बात को लेकर रिएक्ट किया जो कि राहुल वैद्य ने काफ़ी समय पहले कही थी। दरअसल राहुल वैद्य जो है उन्होंने बिना किसी के नाम लिए एक स्टेटमेंट दिया था, दरअसल एक ट्वीट किया था जहां पर वो फैशन सेंस को लेकर जो है वो बातचीत करते हैं। राहुल वैद्य का कहना था कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर न्यूड जो है लोग फोटोशूट करवाएंगे और उसी को फैशन कहा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने जो है वो ट्वीट किया था। वेल, अब ऐसे में जो है फैंस ने जहां पर बहुत सारे फैंस का कहना था कि ये जो ट्वीट है राहुल वैद्य ने उर्फी जावेद के लिए किया है, लेकिन यहाँ पर राहुल वैद्य ने किसी का भी नाम नहीं लिया था। अब उर्फी जावेद ने दरअसल उसी बात को लेकर जो है हाल फिलहाल रिएक्ट किया है। जब राहुल वैद्य का नया गाना रिलीज हुआ नोटी बालम, उसको लेकर जो है उर्फी जावेद ने रिएक्शन दिया। दरअसल वो ये फोटोग्राफ जो है इसका पोस्टर जो है वो शेयर करती हैं और काफ़ी कुछ लिखती हैं राहुल वैद्य के बारे में। जी हाँ, उर्फी जावेद लिखती है, sexualizing a woman's body for your benefit, but when she chooses to sexualize it herself and wear and post whatever she wants, it bother people. Hashtag hypocrisy. तो यहाँ पर उर्फी जावेद ने सीधा निशाना साधते हुए राहुल वैद्य को एक तगड़ा जवाब दिया है, और उनका कहना है कि जब आप अपने बेनिफिट के लिए जो है इस तरीके से शूट्स करते हो और इस्तेमाल करते हो वुमेंस का, लेकिन जब कोई वुमेन खुद से चूज करती है उसे क्या पहनना है, क्या पोस्ट करना है, तब आपको उस पर जो है कई सारे आप तब उस पर अपने जजमेंट्स देते हो और अपने रिएक्शंस देते हो। तो इस पर उर्फी जावेद ने हाल फिलहाल रिएक्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में उर्फी जावेद जो है वो छाई हुई है। क्या है आपके रिएक्शन इस पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। वेल, ये देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि इस पर राहुल वैद्य क्या रिएक्शन देते हैं, क्या कुछ जवाब उर्फी जावेद को देते हैं। वेल, आपके क्या रिएक्शन रहे ज़रूर बताइए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।